हे गाइस, देखिए ये कितने सिंपल से अस्तिने हम बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से मैं कट लगा रही हूँ उसके आसपास मैंने पहले ही सिलाई लगा ली थी सेंटर में। तो ऐसे ही करना है, आपने आसपास सिलाई लगा लेना है और सेंटर में निशान लगा के काट लेना है। मैं एक कपड़ा लूँगी इस तरह से और इस कपड़े को रख कर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया था, आप मतलब इतना लेना कि 1 इंच की पट्टी अच्छे से बन जाए। तो देखिए मैं अभी आपको बताऊँगी, इस तरह से सिलाई लगा लेना है इसको और आसपास का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि ये वेस्ट है, ये कुछ काम का है नहीं। इसलिए तो हमें क्या करना है, इसे पलटा लेना है। आप सुई या धागा के हेल्प से भी इसको पलटा सकते हो या फिर पेन के हेल्प से भी इसको पलटा सकते हो। ये थोड़ा मोटा है तो मैं हाथ से ही इसको अच्छे से पलटा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं अच्छे से इसको पलटा लूँगी। पलटाने के बाद हम क्या करेंगे, एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको पकड़ के अच्छे से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये सिलाई लग गई, दोनों तरफ हमें सिलाई लगाना है इसी तरह से। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, मैंने कॉफ़ी से एक पेज निकाला इस तरह से और मैंने अस्तन के ऊपर रखा। तो हमें 1 इंच की डिज़ाइन बनानी है, इसलिए 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मैं ले रही हूँ, क्योंकि आसपास हम सिलाई लगाएंगे तो फिर वो इस सिलाई में चला जाएगा इसीलिए। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है, मैं 2 अस्तिन के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं 2 कट करूँगी। तो अस्तिन जिसकी मैंने ली है वो पर इस तरह से मैंने रख लिया है और कट कर लूँगी मैं गिन के इसकी लंबाई जितनी है उतनी। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने पेज लिया है इसको मैं अच्छे से इस तरह से रख कर निशान भी कर सकते हैं, लेकिन मैं निशान नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से सिलाई मार लूँगी। आप 1-1 इंच के टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टुकड़े नहीं करूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट कट करते जाऊँगी, क्योंकि हमें 3 ही डिज़ाइन बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। क्योंकि जो कस्टमर की अस्तिन है वो 3 इंच की है, मैंने 3.5 इंच का कपड़ा काटा है, लेकिन 3 इंच की अस्तिन बन के रेडी हो जाएगी हमारी। तो मैंने जैसे एक तरफ सिलाई मारी, वैसे मैं दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई मार लूँगी। सिलाई मारने के बाद ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से टाका लगाना है इस तरह से। ये देखिए बीच में एक उंगली डालना है और आसपास इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें पेन से टाका लगाना है सुई धागे से। तो ये ऊपर की ओर मैं सिलाई लगा लूँगी, इस तरह से सिलाई लगा ली, अभी ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी और ये काट लूँगी कपड़ा एक्स्ट्रा। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इस तरह से ऊपर की ओर सिलाई लगा ली अच्छे से, क्योंकि जो ऊपर हमने मैंने ऊपर इसलिए कुछ लगाया नहीं है क्योंकि वो कपड़ा हमारा कट जाएगा, कटने में चला जाएगा, इसीलिए अस्तिन 3 की होगी बन के इसलिए। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर अस्तिन का दूसरा भाग रख लिया है। अब इस तरह से मैं ऊपर की ओर सिलाई लगा लूँगी इसको अच्छे से। सिलाई लगाने के बाद हम सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये गिन लेंगे पहले। ये देखिए ये 3.5 इंच का कपड़ा है, लेकिन 3 इंच का ही हमें काम है। इस तरह से हम अच्छे से पेज को फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद ये देखिए इस तरह से हम टाके लगा लेंगे। तो मैं आपको टाके लगा के पहले बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से करना है। सबसे पहले मैं एक सुई लूँगी और एक धागा लूँगी, उसको इस तरह से डाल के अच्छे से गठन मार लूँगी। ये देखिए मैंने एक लिया और एक बार ले लूँगी इस तरह से, अच्छे से टाइट करके, ताकि हमारी अच्छी सी चौकोनी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाए। और यहाँ पे एक गठान लगा लूँगी मैं, पहले धागे कट करके तीनों को कर लूँगी, उसके बाद मैं गठान लगाऊँगी। ये देखिए मैं सेकेंड को भी सेम उसी की तरह किया। एक चौकोर बॉक्स बनना चाहिए इस तरह से। ये देखिए ये बॉक्स बने हैं। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टोन भी लगा सकते हैं और आइट साइड हम लेस भी लगा सकते हैं। लेस लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लगेगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।